नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आप सभी के लिए इंस्टेंट मेथी आलू को कभी भी खा सकते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ वही मेथी आलू की इंस्टेंट रेसिपी और विदाउट सीजन। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं अपनी मेथी आलू, जो मेरा और ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट है। लेट्स गो चेक इट आउट। तो चलिए फिर, यहाँ मैंने लिया है मेथी, कस्तूरी मेथी। जी हाँ, कस्तूरी मेथी के साथ आप कभी भी बना सकते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं इस कस्तूरी मेथी से। और मैंने करीबन इसको आधी कटोरी कस्तूरी मेथी ली है, देख सकते हैं इतनी बड़ी कटोरी है, और आधी कटोरी ली है। और इसमें डाल देना होगा पानी, और हमारी जो कस्तूरी मेथी है इसको अच्छे तरीके से भिगो लेना होगा। इस पानी के अंदर भीग जाए हमारी कस्तूरी मेथी अच्छे तरीके से, और जब तक भिगो कर रखना होगा। और यहाँ दो आलू लिए हैं मैंने, इतने बड़े आलू, और इनको छोटे छोटे डाइसेस में कट करके रख लें। आप अपने हिसाब से अपने आलू के डाइसेस को कट कर सकते हैं, अपने आलू के पीसेस को कट कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा बड़े आलू मेथी आलू में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैं अपने हिसाब से काट रहा हूँ। आप अपने भी हिसाब से काट सकते हैं, जिस हिसाब से आपको आलू पसंद है। इस तरीके से अपने सारे आलूओं को कट करके रख लें। और एक ऐसे इस तरीके का बाउल चाहिए होगा, उसमें अपने सारे आलू डालें। और सारे आलू डालने के बाद डालना होगा पानी, और एक बार अच्छे तरीके से इसको वॉश करके आलूओं को, जो इसके अंदर का स्टार्च है वो निकाल लें। और स्टार्च को एक बार ड्रेन आउट करके उसमें बिल्कुल फ्रेश पानी डालकर अपने आलूओं को अच्छे तरीके से डुबा कर उसको साइड में रख दें, जो हमारे आलू काले ना हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतने बड़े साइज़ का प्याज काफ़ी है दो आलू के हिसाब से। और इस प्याज को भी हमें बारीक काट लेना होगा। इस तरीके से अपने प्याज को भी बारीक बारीक काट के रख लेना होगा। और एक तरफ लेना होगा साथ में हमें जिंजर। जी हाँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं यहाँ चम्मच से क्यों कर रहा हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सीक्रेट है कि चम्मच से ही आप पील कीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर इसको बारीक बारीक काट लेना होगा अपने जिंजर को, छोटे छोटे चंक्स में अपने जिंजर को भी काट के रख लेना होगा। और दो हमें हरी मिर्च चाहिए होंगी, हरी मिर्च को भी काट के रख लेना होगा। तो जो हमने कस्तूरी मेथी को भिगो के रखा था उसका जो पानी है उसको ड्रेन आउट करना है। इस तरीके से छन्नी के अंदर नीचे एक बर्तन रखें और अपनी कस्तूरी मेथी को डाल दें, जो अच्छे से एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। हल्का सा स्क्वीज़ भी कर दें इसमें भी पानी थोड़ा। तो मेरे पास जो कढ़ाई है लोहे की, मैं आयरन कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं करी थी, तो मैंने इसमें हल्का सा ग्रीस कर लिया, इसको ऑयल डाल के कपड़े से पोंछ लिया। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें, करीबन 2-3 छोटे चम्मच ऑयल डालें, और इसमें जो बारीक कटी हुई प्याज थी वो इसमें ऐड कर दें। बारीक कटी हुई प्याज को अच्छे तरीके से सॉटे कर लें, इतना सॉटे करना होगा हल्का हल्का, जो पिंकिश कलर है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हमारी प्याज। और उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई जिंजर, बारीक कटी हुई अदरक, वो भी इसमें ऐड कर दें, इसको भी हल्का सा सॉटे कर लें। और जो हमारी हरी मिर्च थी वो भी इसमें ऐड कर दें, उसको भी हल्का सा सॉटे करना होगा। मीडियम फ्लेम पे सारी कुकिंग करनी होगी।
और यहाँ मेरा जो वो था कैमरा था उसकी जो बैटरी थी वो फिनिश हो गई थी, तो यहाँ मैंने आलू डाल दिए हाफ टी स्पून, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपने स्वाद अनुसार नमक, बस लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून नमक, सिर्फ ये दो चीज़ डलेगी और उसके बाद अच्छे से मिक्स करें और जो अपनी कस्तूरी मेथी हमने भिगो के रखी थी वो मैं ऐड कर दें। और जो अपनी कस्तूरी मेथी को अच्छे तरीके से भूनते हुए पका लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस कस्तूरी मेथी को आलूओं के साथ। ढक कर करीबन 2-3 मिनट के लिए पका लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे पकाएं। शायद इसमें चिपक गया है, ओहो हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे आलू, जैसे कभी आप भी घर में इस तरीके से पकाएं तो हमारे आलू कभी कभार चिपक जाते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से निकाला है। मैंने ये देखिए पानी इसमें डाल दिया है जो, और अपने मेथी आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना होगा और इसको बिल्कुल ढक के करीबन 3-4 मिनट के लिए, ज़्यादा 5 मिनट के लिए आप रखें और 2 मिनट बाद ज़रूर चेक कर लें अपने आलू आपके ड्राई तो नहीं हो गया, तो इसका जो अंदर का पानी है वो तो नहीं सूख गया है। 2 मिनट बाद चेक कर लें, थोड़ा सा और डाल दें पानी बाद में, मैंने थोड़ा सा और डाला था बीच में। और उसके बाद देखिए बिल्कुल हमारे जो आलू हैं अच्छे तरीके से पक गए हैं और उसी तरीके से दिख रहा है। तो आप ये एंजॉय कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते भी ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।